गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारे नंबर्स को जाने थे कि क्या क्या होते हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि बेटा आप लोगों को मेनली पढ़ना है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग फिर से ये जानेंगे रेशनल और इरेशनल के विषय में। ऐसे किसी स्टूडेंट को देखो, रेशनल नंबर में हम लोगों को बहुत सारा चीज पढ़ना है। जैसे हम लोगों को बेटा पढ़ना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसके बाद पढ़ना है हाउ टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसके बाद पढ़ना है आपको कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ये सब चीजें जो है वो आपको क्लास 8 के लेक्चर में मिला होगा। नहीं मिला होगा तो आप उस क्लास 8 का लेक्चर देख लीजिएगा। 9th क्लास के लिए रेशनल नंबर में दो चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक, किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, और दूसरा कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। ये दो चीज स्पेशली क्लास 9th के लिए है। तो हम लोग दो चीज यही सीखेंगे बेटा कि रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आज हम लोग यही सीखेंगे कि किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद मिड पॉइंट पे एक जीरो ले लेते हैं। बेटा जहां भी हम जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर में, मतलब नंबर लाइन पे जहां भी जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से राइट साइड की तरफ जो लाइन है वो आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए है। वो आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए है। बात समझ में आ रहा है? जो जीरो से राइट साइड के बीच का स्पेस है, जीरो और राइट साइड में जितना भी लाइन पे स्पेस है वो सब आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए है। और जो आपका लेफ्ट साइड में, मतलब जीरो से लेफ्ट साइड में जो लाइन का स्पेस है वो आपको निगेटिव रेशनल नंबर के लिए है। ये बात क्लियर हो गया कि हम निगेटिव रेशनल नंबर को किस तरफ रखेंगे और पॉजिटिव रेशनल नंबर को किस तरफ रखेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा चीज हम लोगों को क्या समझना है बेटा कि जैसे मान लीजिए, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो अगर हमें 7/8 को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम लोग इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में P और Q दोनों या तो निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव। तो इस हिसाब से बेटा अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें P और Q, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। दैट मींस कि ये रेशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर हम किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जीरो को इंडिकेट करते हैं। हम लोग नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपनी राइट साइड में कॉपी पे ज्यादा स्पेस लेते हैं। क्यों स्पेस लेते हैं ज्यादा? क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो से अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो जीरो से राइट साइड में आएगी, और राइट साइड में आएगी तो राइट साइड में आपको कॉपी पे ज्यादा स्पेस रखना है, लेफ्ट साइड में कम स्पेस रखना है। अब देखो जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 8 के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि इस नंबर लाइन को सबसे पहले 8 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 बार यहां पे आके बेटा आपका 1 रिप्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रहा है?
फिर आप 8 सेक्शन बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां पे ये आपका 2 होगा। इसी तरह से आपको जितना भी इधर भी आप करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 मतलब इधर भी 8वां पे आके आपका -1 होगा। बात समझ में आ गया? अब देखो बेटा, जब ये 8 सेक्शन जो आपने बनाया इसमें देखो ये जो डिस्टेंस है 0 से लेकर फर्स्ट सेक्शन और 1 से मतलब फर्स्ट सेक्शन से लेकर दूसरे सेकंड, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा इस हर सेक्शन का आपस में इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि आपने नंबर लाइन बनाया, यहां 0 लिया, यहां 1 किया, एक यहां, नहीं, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये गलत है। आपको जो भी सेक्शंस लेने हैं आप जितना का भी लो, छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपस में हर सेक्शन इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब हम लोगों को है कि 7/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा देखो, ये फर्स्ट जो नंबर है ये 1/8 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा 2/8 को, तीसरा 3/8 को, इसी तरह चौथा 4/8, ये 5/8, ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/8, ये मतलब 8/8 दैट मींस 1। तो अब आपको जैसे 7/8 को रिप्रेजेंट करना है तो यही नंबर ना 7/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही पॉइंट ना आपको 7/8 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये 7/8 तो इस नंबर को थोड़ा सा आप हाईलाइट मतलब कर दीजिएगा ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि आपने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसके साथ देखो, कभी भी कॉपी में आपको ये सब चीजें लिखना नहीं है, आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 लिखना है। ये आपको मन में ही काउंट करना है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। अच्छा, अगर आपका डिनोमिनेटर चेंज करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गए 5/3, तो इस समय आपको क्या करना है कि ये नंबर लाइन जो आपने डिग दिखाया, यहाँ 0 लिया क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो आपको कुछ करना नहीं, 0, हाँ अगर मान लो ये निगेटिव लगा तो बेटा 0 को हम लोग यहाँ लेंगे ताकि इधर हमको स्पेस ज्यादा मिले। बात समझ में आया? लेकिन पॉजिटिव है इसलिए हम 0 को इस साइड लेंगे कि हमको यहाँ इधर स्पेस ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आया? अब जैसे ये 5/3 है तो आपको इसको 3 सेक्शन में बांटना है, 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3, तो ये 3 पे 1 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 ये 2 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 ये आपका 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 ये आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे निगेटिव में 1, 2 मान लो ये 3 तो ये -1। बात समझ में आ गई? अब देखो 3/ जितना भी है 5/3 तो जितना आपका डिनोमिनेटर होगा आपको उतना ही सेक्शन में डिवाइड करना है और 1 लेना है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो जैसे 5/3 तो बेटा ये पहला 1/3, 2/3 ये 3/3, 4/3 5/3 मतलब ये आपका नंबर रिप्रेजेंट हो गया। बात समझ में आ गया? ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ किसी भी रेशनल नंबर का नंबर लाइन। बात समझ में आया? अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बेटा मिक्स्ड नंबर का। मान लो 2 होल 1/3, अगर इस तरह के कोई नंबर आपको मान लो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? बेटा देखो, अगर आप इसको मतलब कन्वर्ट करते हो तो हम लोग ये जानते हैं कि मिक्स्ड नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में है कि फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है, माने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। लेकिन हम लोगों को देखो चेंज करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हो, विदाउट चेंज किए भी कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखो, आप चेंज ना करके करना है आपको,
क्योंकि चेंज बेटा फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर चेंज नहीं होता है। तो हम लोग देखो कैसे इसको करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, देखो ये आपका एक नंबर लाइन बन गया, यहाँ जीरो आ गया। अब जीरो से हम 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बेटा हमको पता है कि ये नंबर जो भी है ये तो होल नंबर है, ये आपका एक फ्रैक्शन टाइप, मतलब कि ये रेशनल नंबर है। तो होल नंबर तो 2 तक तो आपका क्लियर है, ये नंबर 2 के बाद और 3 से पहले, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगी, यही बात ना है। ये नंबर 2 चूंकि होल नंबर तो 1 2 होल नंबर हो गया। तो ये तो अब इन दोनों के बीच में ही ये नंबर रिप्रेजेंट होगी, ये तो क्लियर हो गया। तो हमको आया 1/3। तो बेटा देखो 0 से 1 का डिस्टेंस, 1 से 2 का और 2 से 3 का, ये तो आपस में इक्वल होगा। अब हमको क्या करना है कि ये 2 और 3 का जो बीच का सेक्शन है, मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमें 3 पार्ट में, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसको हमें 3 सेक्शन में इक्वली डिवाइड करना है, 1 2 और 3। ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब हमको इसमें 1/3 रिप्रेजेंट करना है। तो 2 का तो 2 हो गया बेटा, ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, यही ना, मतलब कि आपका नंबर यहाँ रिप्रेजेंट होगा 2 1/3, क्योंकि 2 के बाद हमको 1/3 लेना है। तो ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3। थैंक यू, समझ में आ गया, चलो खत्म।